मैं राजा सांसी का रहने वाला, मैं इतने एयरपोर्ट पर आटो चला। अही वेख्या कि दो ही आटो वाले खलोते सवारी वेखन डे ही, तो मेरे नाल दे आटो वाले ने मैंने दस्या कि मतलब महाराज का प्रकाश अंदर लैके जा रहे हैं। मैं उन्होंने कहा कि मैं इदा महाराज का प्रकाश नहीं अंदर जाता, मतलब पांच सिंह होंगे नाल चोर साहब हों फिर लैके जाते। वो कहना कि नहीं लैके जा रहे हैं। मैंने शक पाया, मैं फिर जाके उन्होंने सिंह पूछे जे लैके जा रहे ही, उन्होंने पूछा तो वो कहें हाँ जी मही महाराज का स्वरूप लैके चले उन्ने उन्ने। तो मैं उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मर्यादा का कोई पता नहीं, कहते नहीं अभी किसी ने गल की जो कहते इदा मतलब जा जा सकते। फिर उन्हें चलो जो उन्होंने हैंडओवर करना आया मलकीत सिंह, उन्हें डक लिया। उन्हें डकनते मतलब कि फिर उन्हें कहा कि महाराज का स्वरूप तुम इदा नहीं खड़ सकते, कि महाराज का स्वरूप बहर लै जाओ। बहर जाके पार्किंग बैठ गए। उन्हें जो फिर मलकीत सिंह लगे मतलब बेदबी होंगी यही सलाह की भी इतने पार्किंग बेदबी होंगी है, तो इन्होंने कहते टिकाने। फिर मलकीत सिंह के कहने ही महाराज का स्वरूप गुरद्वारा बाबा जीवन सिंह राजा सिंह अठ नंबर वार्ड संबोध करता है। तो नाल उन्हें मलकीत सिंह ने दो सिंह होर घले गड्डी वाला घलिया, तो ही महाराज का स्वरूप उत्थे गुरद्वारा साहब प्रकाश करे। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी अमृतसर एयरपोर्ट तुहानू पता सारा, इत्थे ये सिंह ने साडे ये आटो चलाउंदे ने, ये आटो ते अपने जा रहे सीगे। इन्हां नू डाउट होया कि बंदे दो जिहड़े सी महाराज का स्वरूप सूटकेस दे विच पा के लिजा रहे सीगे, इन्हां दे वल्लों रोकिया गया। रोकण तो बाद उहदा विरोध किया गया, तो इन्हां दे नाल किसी होर सिंह ने सेवा करदे होया उह स्वरूप उन्हां दे कोलों लै लिया। स्वरूप फिलहाल दी कड़ी जिहड़ा मौके ते सीगा इत्थे राजा सांसी अस्थान आ गुरु घर, उत्थे लै गए सी। हुण असीं पुलिस स्टेशन पहुंचे हाँ, पर बहुत वधिया एक सिस्टम होया कि सानू लगता सी वो बंदे लंघ गए चले गए ने, पर पुलिस ने उन्हां दोनों बंदे नू उत्थों अरैसट कर लिया सीगा। इत्थे लैण दा वा श्रोमणी कमेटी के भी इतने जिहड़े मुलाजम ने हुण पहुंचे ने। तो पता ये लगा कि नानकसरियां दा जिहड़ा स्थान आ बाबे नानकसर वाले ने बदनी कलां दे लागे जिहड़ा वा वह मोगे दे कोल बाबा कलवंत सिंह आ कोई समाध भाई गुरद्वारा वा, उत्थों सरूप लैके आए ने। बाबा कलवंत सिंह ने सरूप दिता इन्हां नू, ते लैके जा रहे सी पूने। उत्थे नानकसर दी एक दूजी ब्रांच आ संपर्दा दी, उत्थे सरूप लिजा रहे सी। लिजाण वाले दोवें प्यो पुत ने। बाबा कलवंत सिंह जिहड़ा वा जिहने सरूप भेजिया उहदे नाल मेरी गल होई फोन दे उत्ते, उहदे वालों ये कहा गया वा कि असीं सरूप जिहड़ा सीगा अपने इन्हां सिंघां हत्थ तां भेजा कि साडे सिंघ उत्थे जा रहे सीगे, ते असीं कहा वी तुसीं सरूप लई आए हो। हुण गल इत्थे सब तों वड्डी इह करन वाली आ वी इक तां सरूप सूटकेस दे विच पा के बिना मर्यादा तों जुत्तियां पाईआं होईआं सीगीआं ते उहनां ने इदां लिजाणा सी, दूसरा कोई शीट नहीं सी बुक महाराज दी कराई। चलो जी बाहरले मुल्कां च वी सरूप जांदे ने सानूं पता, पर एक शीट बुक हुंदी आ महाराज दी वक्खरी, एक मर्यादा नाल सरूप जांदा। पर उन्हां ने वो सरूप जिहड़ा सी आम लगज जाना सी, ते लगज दी अंदर की हालात हुंदी आ तुहानूं पता, किवें चुक चुक के वो मारदे ने, किद्दां पैरां दे विच लताड़दे ने लगज नूं, उस तरीके नाल सरूप जाना सी। पर बारां इहदे बड़ी वधिया इहनां कोलों सेवा लई, गुरू साहब ने आवाज़ मार के कि महाराज ने सरूप जिहड़ा सत्कार सहित उत्थों सिंघां ने सेवा कर ली। हुण दूसरी गल एक ये आ भी जिहड़े डेरे ने कि इहनां कोल अथॉरिटी है कि जिन्हों मर्जी ये सरूप महाराज दे दिंदे ने, तो कित्थे भी लै जांदा, किसी तरह की घटना जो वापर जाती है तो फिर वह जिम्मेवार कौन है? श्रोमणी कमेटी जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अथॉरिटी आ, जहाँ कि सानू पता जे किसी को सरूप की लोड़ आ वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आउंदा, लिखत पढ़त करके प्रोपर वे दे नाल ही सरूप जिहड़ा उन्हें दिता जाता। पर ये डेरेदार जिहड़े बाबे ने उन्हां दे वल्लों अपनी मर्जी दे नाल जिथे मर्जी सरूप भेज दिते जाते हैं। वड्डा पॉइंट ये भी इन्हां दे कोल सारे साधन ने, डेरेदारां दे कोल पालकियां ने, वड्डियां गड्डियां ने, आप पंजाह पंजाह लख दियां गड्डियां च घूमदे आ तुसीं जाणदे ही हो, पर की इन्हां कोल इन्नी भी माया नहीं सी हैगी कि ये पालकी साहब जो सरूप महाराज दा पूने भेज दिंदे, तो पूना बहुत दूर नहीं, 2000 किलोमीटर होगा, 3 होगा, पर इन्हां कोल कोई साधन नहीं हैगे। हुण सानूं कोई मैं फोन ते गल करी कि जी पालकी भी हैगी आ, फिर तुसीं पालकी च क्यों नहीं भेजिया? आखे जी साडे सिंघ जा रहे सी असीं भेजता। बड़ी लानती वाली गल आ, एक सिख हो के तुसीं धर्म प्रचार करन वाले अस्थानां दे मालक हो के डेरेदार हो के ते इस तरह दीआं गल्लां करदे हो, बड़ियां मंदभागियां ने। मैनूं लगदा वी सानूं संगत नूं सुचेत होण दी लोड़ आ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कोई सख्त इहदे वास्ते सिस्टम बणाउण दी बहुत ज़्यादा लोड़ आ। इह दो पसेंजर सी स्पाइस जैट दी फ्लाइट ते अमृतसर तों दिल्ली, इक दिल्ली तों उहनां ने पुणे जाणा सी जा रहा सी। सानूं इनफॉर्मेशन मिली कि उह अटैची विच गुरु ग्रंथ साहिब पा के लैके जा रहे। असीं जाके ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਚੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤਾ।
ਸਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ।